सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बोलने का मुझे मौका दिया है। द मेडिकल ट्रांजिशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के इस बिल के लिए मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति जी, मैं मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा बिल वो पार्लियामेंट में लेके आए। 1971 के बाद में शांति राजशाही समिति की रिपोर्ट के आधार पे यह जब देश में कानून बना था उसके बाद में ये बिल लेके आए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेडिकल की सेवाओं के लिए इस देश को बहुत कुछ दिया है। आज सभापति जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में दो जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, दोनों में ही मेडिकल कॉलेज और दोनों में 325 करोड़ रुपए का देने का ऐलान अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं इस संशोधित बिल के लिए मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि 20 हफ्ते की जगह इन्होंने 24 हफ्ते किया है, क्या कोई 24 हफ्ते करने के बाद में क्या कोई एक गायनों का वहाँ पे डॉक्टर होगा, क्या डॉक्टर की एक टीम होगी, क्या डॉक्टर का एक कोई बोर्ड बैठेगा? क्यों 24 हफ्ते होने के बाद में मेल और फीमेल का जब पता लग जाता है तो ऐसे में आने वाले बच्चे का और आने वाले भविष्य का उसका क्या कहेगा, इसके लिए भी माननीय मंत्री जी कुछ बताएंगे। मैं इसमें सभापति जी ये कहना चाहूंगा कि इसमें एक वर्ष का कारावास है, क्या इसको हम बढ़ा के और ज्यादा आगे कर सकते हैं, क्या 2 वर्ष कर सकते हैं, क्या 3 वर्ष कर सकते हैं? मैं सभापति जी, मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि एक सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की पहुंच में वृद्धि करना और असुरक्षित गर्भपात के कारण मातृ मृत्यु दर में कमी दर्शाना यह जटिलता का एक विषय है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ये गंभीर बीमारियां ये फैल रही है और ये गंभीर बीमारियों से पूरा विश्व जूझ रहा है। और 2030 तक मातृ शिशु मृत्यु दर को बिल्कुल खत्म करने का अगर सरकार ने लक्ष्य रखा है, मैं मेरी तरफ से माननीय मंत्री जी को सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा। आज विश्व की ये स्थिति है कि 3 सेकंड के अंदर आज एक बच्चे की मौत हो रही है। भारत में 1 लाख पर 122 माँ या बच्चों की मौत हो रही है। सभापति जी, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बच्चों के मौत के कारण केमिकल युक्त पानी या फिर यूरेनियम पेस्टिसाइड युक्त गंदा पानी भी हो सकता है। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी है, उसने 5 दिसंबर 2019 को एक स्टार क्वेश्चन में माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने एक स्टार क्वेश्चन में जवाब दिया था कि अमेरिका की एक ड्यूक यूनिवर्सिटी ने भारत में 30% माइक्रोग्राम यूरेनियम पाया गया है। फिनलैंड एक ऐसा देश था जहाँ वहाँ की सरकार ने कुएं बनाए और उसमें पानी की मात्रा में मात्र 5% माइक्रोग्राम यूरेनियम आया, वो सारे के सारे कुएं बंद हो गए। लेकिन भारत के अंदर 30% माइक्रोग्राम यूरेनियम होने के बावजूद भी आज वो दो मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, आज भी इस पानी को हम लोग पी रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। गंदा पानी, पेस्टिसाइड युक्त पानी, केमिकल युक्त गंदा पानी अगर हम लोग पियेंगे तो इसका भविष्य क्या कहेगा, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 में से 26 जिले ये डार्क जोन में है। सभापति महोदय, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलता, मैं इतना कहूंगा कि दुनिया में अबॉर्शन की कानूनों की स्थिति को 5 भागों में बांटा है। कई ऐसे देश है जहाँ पे किसी भी सूरत में गर्भपात की मंजूरी नहीं है, कई ऐसे देश है कि जब महिला की जान को खतरा भी हो सकता है तो भी अबॉर्शन नहीं हो सकता, लेकिन भारत परिस्थितियों के आधार पे एक विस्तृत श्रृंखला के तहत गर्भपात की अनुमति दी जाती है। बस अपनी बात को खत्म करूँ, इंडिया भारत है, मैं एक सुझाव देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। सभापति जी, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई है, उसमें राजस्थान में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इसके बारे में और स्टेट गवर्नमेंट से बात करें, क्योंकि इसमें भी दंत चिकित्सक उपचार पैकेज है वो आपके आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं किए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया डेंटल एसोसिएशन के अनुसार 80% ओरल कैंसर से होता है, उसको भी शामिल करने का काम करें। मैं सरकार के इस बिल के मैं पक्ष में खड़ा हूँ, मैं ये निवेदन करने के लिए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।